नियॉन बैटरी, देश का एक जाना माना ब्रांड, अपने सभी देशवासियों से अपील करता है, स्टे होम स्टे सेफ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री कुंवर विवेक सिंह का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। काफी समय से उनका दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और वो माइस्थीनिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। उनके निधन से जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। सदर विधानसभा से लगातार 3 बार चुनाव जीते और उन्हें बुंदेलखंड में कांग्रेस पार्टी की रीढ़ कहा जाता था। उनके निधन से पूरी पार्टी में शोक की लहर है। आपको बता दें कि कांग्रेस का सदर विधानसभा क्षेत्र में दबदबा रहा है। 8 बार जीत हासिल की और इसमें से 3 बार कुंवर विवेक सिंह ने जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि 1991 में कल्याण सिंह की सरकार में वो राज्य मंत्री भी रहे और इसके बाद कांग्रेस पार्टी में आ गए थे। कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है और उन्हें हर कोई दिल से याद कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और MLC नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी उन्हें याद किया है और उन्हें याद करते हुए लिखा है, बड़े दुख की बात है कि मेरे बड़े भाई कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता श्री विवेक सिंह जी का निधन आज दिनांक 1/5/2020 को प्रातः दिल्ली के अस्पताल में हो गया है। श्री विवेक सिंह जी बांदा सदर सीट से कई बार MLA रहे और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। मेरी आज उनके पुत्र से प्रातः लगभग 10 बजे फोन पर बात हुई। स्वर्गीय विवेक सिंह जी के स्वर्गवास से कांग्रेस पार्टी बुंदेलखंड और बांदा जनपद की अपूर्ण क्षति हुई है। उनके निधन से संपूर्ण प्रदेश में शोक की लहर है। श्री विवेक सिंह जी मेरे बड़े भाई थे। मैं उन्हें हृदय से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनके शोकाकुल परिवार को इस असीम कष्ट को सहने की शक्ति दे।